ये कहानी एक ऐसे ट्रेन के बारे में है जो कभी नहीं रुकता। इसके अंदर दुनिया के आखिरी विमान चढ़े हैं जहां दुनिया आइस से तबाह हो गया है। फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2014 तक पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। साइंटिस्ट का मानना था कि CW7 नाम का एक कूलिंग एजेंट इसका सोल्यूशन है, जिसको एटमॉस्फेयर में डालने से मैन्युअली अर्थ का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। July 7, 2014 को 79 देश ये CW7 एजेंट को एटमॉस्फेयर में डालने के लिए राजी हो गए, बट ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर कर गया और ग्लोबल टेम्परेचर नीचे आकर पूरी दुनिया बर्फ में फ्रीज हो गया और आइस एज में चला गया। अब जो इंसान और जानवर बचे थे वो स्नोपियर्सर नाम की एक ट्रेन में चढ़ते हैं। ये ट्रेन एक ऐसा ट्रेन था जो 24 घंटे 365 दिन चलता ही रहता था। इसके ट्रैक को अर्थ के सभी रेलवे लाइंस को जोड़कर बनाया गया था और अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए इसे 1 साल लगता था। इस ट्रेन को ट्रांसपोर्टेशन मैग्नेट उल्फर्ड नाम की एक आदमी ने बनाया था जो कि ट्रेन के इंजन सेक्शन के पास रहता था। अब साल है 2031। पिछले 17 साल से ये ट्रेन चल रहा था जहाँ लोगों को टिकट के हिसाब से बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी एंड फ्री लोडर्स। फ्री लोडर्स ऐसे लोग थे जो बिना टिकट के इस ट्रेन में चढ़े थे। इन्हें ट्रेन के आखिरी हिस्सों में भेड़ बकरियों की तरह ठूसा गया था। अमीर लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से में रहते थे। इस ट्रेन में जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ था और लोग यहाँ बच्चे भी पैदा कर रहे थे। अब 2 गार्ड्स रोज की तरह सभी गरीब लोगों की काउंटिंग करते हैं और उन्हें खाना देते हैं। इस खाने को ये लोग प्रोटीन बार कह रहे थे। इन 2 गार्ड्स को एक वायलिनिस्ट भी चाहिए था, जहाँ एक ओल्ड कपल कहते हैं कि हम वायलिनिस्ट हैं। जब गार्ड कपल में से सिर्फ हस्बैंड जेरल्ड को ले जाने लगते हैं तो जेरल्ड जाने से मना करता है और कहता है कि मैं मेरी वाइफ के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। तभी गार्ड्स उसके वाइफ के हाथ को तोड़कर उसे जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। आगे हम कर्टिस और एडगार को देखते हैं जो सभी लोगों के प्रोटीन बार में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी एक लेडी तानिया कहती है जो वो ढूंढ रहे हैं वो उसके 5 साल के बेटे टीमी के बार में है। कर्टिस को उस बार में एक कैप्सूल मिलता है जिसमें एक मैसेज था। हर दिन आने वाले खाने में एक हिडन मैसेज रहता था जिसे आगे वाले डिब्बे से कोई भेजता रहता था। टेल सेक्शन के लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और ये सब विद्रोह करने के मूड में थे। पिछले 17 सालों से इन्होंने 2 बार कोशिश किया था बट कामयाब नहीं हुए थे। यहाँ सभी लोग कर्टिस को अपना लीडर मानते थे बट कर्टिस श्योर नहीं था। एडगार उसका सेकेंड इन कमांड था। यहाँ हम लोग गिलियम नाम के एक ओल्ड आदमी को देखते हैं जिसकी एक हाथ और एक पैर नहीं थी। यह आदमी यहाँ सबसे ओल्ड था और काइंड ऑफ सबका स्पिरिचुअल लीडर भी था। कर्टिस एंड गिलियम नेक्स्ट विरोध के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बार मैसेज में नाम यानी कि नामकुंग मिनसू नाम की एक आदमी का जिक्र था जिसने ट्रेन के सभी सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था। वो फिलहाल अब ट्रेन के जेल वाले डिब्बे में बंद था। रात में कुछ गार्ड्स आते हैं और सभी बच्चों को उठाकर चेकअप के लिए लाइन में रखते हैं। एक लेडी क्लाउड आकर सबके मेजरमेंट लेती है। बाद में वो टिमी और एंडी नाम की 2 बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। टैनिया और एंडी के पिता एंड्रू प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो गार्ड्स उन्हें वहीं पटक कर पीट देते हैं। एंड्रू उन पर अपना जूता फेंकता है तो गार्ड्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये लोग इन बच्चों को किसी खास वजह से ले जा रहे थे जिसके बारे में वीडियो में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम मिनिस्टर मेसन को टेल सेक्शन में देखते हैं। ये ट्रेन के CEO जैसी थी जिसका काम ट्रेन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का था। वह एंड्रू के फेंके हुए जूते को उठाकर कहती है कि यहाँ सबका एक एक रोल है। जिसे टोपी को सर पे पहनते हैं और जूते को पैर में, वैसे ही अमीर लोग ट्रेन के आगे वाले सेक्शन में रहेंगे और फ्री लोडर्स पिछले सेक्शन में। इससे ही ट्रेन का बैलेंस बना रहेगा और सभी लोग जिंदा रह पाएंगे। सभी को अपने औकात में ही रहना चाहिए। मैसन अब एंड्रू को पनिशमेंट देते हुए उसकी एक हाथ को ट्रेन से बाहर रखवाती है। बाहर इतना कोल्ड होता है कि 7 मिनट में उसका हाथ जम जाता है, जिसके बाद 2 गार्ड्स उसके जमे हुए हाथ को हथौड़े से मार के काट देते हैं। नेक्स्ट डे कर्टिस और एडगार टेल सेक्शन के सभी बैरल्स को इकट्ठा जोड़कर हमले के लिए रेडी होते हैं। कर्टिस को यह लग रहा था कि गार्ड्स के गन्स में बुलेट नहीं है। आज र्यूमर सालों से चल रहा था कि सभी बुलेट्स पिछले विद्रोह में ही खत्म हो गए हैं। कर्टिस अब इसके ऊपर रिस्क लेने के लिए रेडी था। वो हमले से पहले क्रोनल नाम की एक ड्रग्स की बॉक्स को अपने साथ लेता है। इसके बाद हम एक पेंटर को देख पाते हैं जो तानिया एंड्रू को टिमी और एंडी का एक पोर्ट्रेट देता है जिसको उसने ड्रॉ किया था। अब जब गार्ड्स खाना देने आते हैं तब कर्टिस उनके ऊपर हमला करके गन को अपने सर पर रखता है और शूट करने के लिए कहता है। जब बुलेट्स फायर नहीं होता है तब कंफर्म होता है कि बुलेट्स खत्म हो गई है। सब लोग अब जुड़े हुए बैरल्स को धक्का देते हुए आगे के डिब्बे में जाते हैं और कुछ गार्ड्स के ऊपर हमला करके उन्हें मार के जेल वाले डिब्बे पर आते हैं। जेल सेक्शन में कर्टिस नैम को उठाता है जो कि क्रोनल ड्रग का एडिक्ट था। उसकी बेटी योना भी वहाँ फंसी थी और वो भी एक एडिक्ट थी। नैम आगे के हर डिब्बे के डोर को खोलने के लिए 2 क्रोनल की मांग रखता है जिसे कर्टिस एक्सेप्ट करता है। नैम आगे का डोर खोलता है जहाँ गरीब लोग पहली बार सूरज की रोशनी को देखते हैं। गिलियम बाहर की दुनिया को देखकर निराश होता है क्योंकि 17 साल के बाद भी बर्फ पूरी तरह से पिघला नहीं था। नेक्स्ट ये सभी लोग किचन सेक्शन में आते हैं जहाँ पॉल नाम का एक बंदा सभी गरीबों के लिए प्रोटीन बार बना रहा था। कर्टिस खाने को चेक करता है तो उसे वहाँ कई सारे कॉकरोचेस मिलते हैं और उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। उन प्रोटीन बार को हजारों कॉकरोचेस को मारकर बनाया जाता था जिसे ये लोग सालों से खा रहे थे।
यहाँ कर्टिस को उस अनजान आदमी का एक और मैसेज भी मिलता है जिसमें लिखा था वाटर, मतलब अगले कुछ डिब्बों के बाद वाटर रिसाइकल का सेक्शन आने वाला था जो ट्रेन के सभी डिब्बों के लिए काफी जरूरी था। यानी अगर वो किसी तरह से पानी वाले डिब्बे को कब्जा कर लेते हैं देन वो आसानी से गार्ड्स के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह थी कि नाम की बेटी योना एक क्लेवॉइंट थी, यानी उसे दरवाजे और विंडो के पीछे की चीजें दिखाई देती थी। उसके पास ऐसी पावर्स कैसे आई ये क्लियर नहीं है, बट शी हैड इट। नेक्स्ट डोर के पीछे योना को बहुत सारे हथियारबंद अपर क्लास के गुंडे दिखते हैं, तो वो चिल्लाकर अपने डैड को दरवाजा ना खोलने के लिए कहती है, पर तब तक देर हो चुका था। नाम डोर खोल देता है और दोनों ग्रुप्स के बीच में होता है राड़ा शुरू, जिसमें दोनों साइड से काफी लोग अपने जान गंवाते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन येकेटेरिना नाम की एक ब्रिज से गुजरने वाला था जो असल में न्यूयॉर्क बेंचमार्क पॉइंट था, यानी अब ट्रेन में एक साल और कंप्लीट हुआ था। दोनों पार्टीज कुछ पल के लिए अपना फाइटिंग रोकते हैं और हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। अबे साले तभी इस ब्रिज के आगे कुछ दूर जाने पर ट्रैक पर बर्फ गिरा हुआ था जिससे ट्रेन चिढ़ते हुए आगे बढ़ता है। इससे ट्रेन जोर जोर से हिलने लगता है और सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। तभी नाम योना को खाई में एक पॉइंट दिखाता है जो पिछले सालों के मुकाबले इस बार क्लियर दिख रहा था, यानी बर्फ अब धीरे धीरे मेल्ट होने लगा था। नाम कहता है कि इसका मतलब यह है कि नियर फ्यूचर में वो सब ट्रेन से बाहर जा सकते हैं। यहाँ हम लेडी मेसन को एक बार फिर से देखते हैं जो कर्टिस से और बाकी लोगों से कहती है, 18 साल पहले मिस्टर उल्फोर्ड ने तुम लोग को ट्रेन के अंदर शरण दिया, तुम्हारी जान बचाई, खाना दिया, अब तुम लोग पानी पर कब्जा करके बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हो। वो 74% गरीबों को मार डालने का ऑर्डर देती है। उसके सभी गार्ड्स अब नाइट विजन गॉगल्स पहनकर रेडी होते हैं क्योंकि ब्रिज के कुछ ही दूर पर एक लंबा टनल आने वाला था। ट्रेन टनल में आते ही सभी गार्ड्स गरीबों को काटने लगते हैं। आज अंधेरे में सिर्फ वही उन्हें देख सकते थे। आगे हम लोग चैन नाम के एक बंदे को मशालों के साथ आते हुए देखते हैं जिसके पीछे कई सारे गरीब लोग मशाल लेकर आते हैं। डिब्बे में आग की रोशनी में फाइट हो रहा था जहां चैन लेडी मेसन के सेकेंड इन कमांड फ्यू को बंदी बना लेता है। लेडी मेसन उसे बचाने के बजाय उसे मरने देती है। यहाँ एक दूसरा हाई रैंकिंग गार्ड एडगर को पकड़कर उसके ऊपर चाकू टान देता है और कर्टिस को सरेंडर करने के लिए कहता है, बट कर्टिस यहाँ सरेंडर नहीं होता बल्कि सीधा जाकर मिनिस्टर मेसन के ऊपर हमला करता है। वो आदमी एडगर को मार डालता है और बाद में योना भी उसे मार डालती है। मिनिस्टर मेसन अब पकड़ी गई थी इसलिए वो लड़ाई को रोकती है। सभी गार्ड्स को गरीब लोग बंदी बना लेते हैं। तानिया एंड एंड्रू अब उसे उनके बच्चे के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो उल्फोर्ड के पास है और उसे बच्चे बहुत पसंद है। कर्टिस उसे उल्फोर्ड को यहाँ बुलाने के लिए कहता है, नहीं तो वो लोग पूरे ट्रेन में पानी रोक देंगे। मेसन कहती है, बेवकूफ लोग, वाटर सेक्शन में पानी फ्रंट से आता है। ट्रेन का नोज सेक्शन स्नो को पिघलाकर उसे पीछे भेजता है जिसे यहाँ रिसाइकिल किया जाता है। उल्फोर्ड यहाँ नेगोशिएशन करने नहीं आएगा क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। मिनिस्टर मेसन यहाँ कर्टिस को उल्फोर्ड के पास सीधा ले जाने के लिए प्रपोजल देती है जिसके बदले कर्टिस को उसे जिंदा रखना होगा। गिलियम कर्टिस से कहता है, जब तुम उल्फोर्ड से मिलोगे सीधा उसका जवान काट लेना, उसकी बातों को मत सुनना, आज वो लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। अब सभी गरीब लोग यहीं रुकते हैं। एंड्रू मेसन के सर के ऊपर अपना जूता रखकर उसके साथ एक ग्रुप फोटो बनवाता है। नेक्स्ट कर्टिस, एंड्रू, तानिया, नाम, योना एंड ग्रे नाम का एक बंदा मेसन के साथ आगे जाते हैं। फर्स्ट वो फार्म सेक्शन में आते हैं जहाँ फ्रूट ट्रीज एंड वेजिटेबल्स उगा रहे थे। अगले सेक्शन में हम एक बड़ा सा एक्वेरियम को देख पाते हैं जहाँ कई सारे मछलियाँ थे और एक शेफ भी था। मेसन सबके लिए सुशी ऑर्डर करती है और कहती है, ये एक्वेरियम एक क्लोज इकोसिस्टम है, यहाँ हम लिमिटेड फिश को ही जिंदा रहने देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। जब मेसन सुशी खाने जा ही रही थी तब कर्टिस उसे रोक देता है और उसे वो प्रोटीन बार खाने के लिए फोर्स करता है जिसे ये लोग सालों से खाते आ रहे थे। नेक्स्ट डिब्बे में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ कुछ अपर क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे। इन्हें बचपन से ही गरीबों के बारे में ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उल्फोर्ड को ह्यूमैनिटी को बचाने वाले देवता के रूप में दिखाया जा रहा था। यहाँ एक टीवी भी था जिसमें ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज भी आता था। यहाँ तानिया टीमी की फोटो दिखाकर बच्चों से पूछती है कि क्या उन्होंने यहाँ इसको देखा है। एक बच्चा हाँ कहते हुए बोलता है, वो पीछे से आए और आगे चले गए। अब यहाँ स्कूल टीचर बच्चों को विंडो से बाहर देखने के लिए कहती है एज ट्रेन एक खास पॉइंट से होकर जाने वाला था। कुछ साल पहले 7 लोग ट्रेन से बाहर जाने की कोशिश किए थे बट बाहर जाते ही वो लोग फ्रीज हो गए थे। उनकी बॉडीज अभी भी वहाँ पर थी। इसे देखकर टीचर कहती है, ट्रेन रुका तो हम भी फ्रीज हो जाएंगे, बाहर गए तो हम भी मर जाएंगे, ये ट्रेन ही हमारा घर है। तभी एक आदमी एक ट्रॉली में सबके लिए एग्स लेकर आता है और कर्टिस को भी एक एग देकर चला जाता है। हम उस वायलिनिस्ट जेरल्ड को देखते हैं जो वहाँ आकर सबके लिए म्यूजिक प्ले करने लगता है। बाद में वो एक मैन पानी वाले डिब्बे पर आता है जहाँ गरीब लोग उस एग्स को देखकर हैरान होते हैं। उन्हें लगा था कि एग्स एंड चिकन्स कब का खत्म हो चुका है। एक मैन कहता है कि ट्रेन में काफ़ी ऐसे र्यूमर्स हैं जो कि फेक हैं, जैसे कि गन्स में बुलेट्स ना होना। और अचानक वो अपने ट्रॉली से एक मशीन गन निकालकर सबके ऊपर गोली चलाने लगता है। उस ट्रॉली में और भी कई सारे गन्स थे जिसे वहाँ पर कैद हुए गार्ड्स ले लेते हैं।
वो सभी अब गरीब लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं। इधर टीचर भी अपने एक बास्केट से गन निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। एंड्रयू को गोली लगता है और वह मारा जाता है। ग्रे टीचर के ऊपर चाकू फेंके उसे मार डालता है। कर्टिस और बाकी लोग सीसीटीवी फुटेज में गिलियम को गन पॉइंट पर देखते हैं, जहां गार्ड्स के इंचार्ज फ्रैंको गिलियम के सर में गोली मारता है। गिलियम को मृत देखकर कर्टिस को काफी दुख होता है और गुस्से में वो मैसन को भी मार देता है। कर्टिस और बाकी बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, जहां वो देखते हैं कि अपर क्लास के लोग ऐश्वर्य में अपनी जिंदगी काट रहे हैं और यहां उनके आराम के लिए काफी कुछ सुविधा थी। ट्रेन में एक टेलरिंग शॉप था, एक डेंटिस्ट था, लोगों के पास लग्जूरियस कपड़े थे, स्विमिंग पूल था, ब्यूटी पार्लर था और एक पूरा डिब्बा सिर्फ सोने के लिए रिजर्व था। नैम को आगे की डोर खोलने में देरी हो रही थी, इसलिए लोग उस डिब्बे में ही फंस जाते हैं। तभी फ्रैंको और बाकी गार्ड्स आकर इनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ इन सबके बीच फाइट होता है। कर्टिस फ्रैंको में नैम का डैगर घुसाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। ग्रे और तानिया भी यहाँ लड़ाई में अपनी जान गंवाते हैं। मरने से पहले तानिया कर्टिस को टिमी की फोटो देकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। कर्टिस, योना और नाम अब आगे जाते हैं, जहाँ लोग सस्ते नशे करके मस्ती में नाच रहे थे। फाइनली लोग इंजन सेक्शन पर आते हैं, जहाँ उल्फर्ड रहता था। नैम अभी स्टोर को खोल नहीं पाता, इसे कर्टिस गुस्से से उल्फर्ड के केबिन पर बैंक करने लगता है। कुछ देर के बाद कर्टिस शांत होता है तो नाम उसे एक सिगरेट देता है, जो कि ह्यूमैनिटी का आखिरी सिगरेट था। यहाँ कर्टिस अपनी स्टोरी कहता है। 18 साल पहले जब सब कुछ फ्रीज होने लगा था, तब उल्फर्ड के गार्ड्स आकर उसे टेल सेक्शन में डाल दिए। पहले मंथ वहाँ 1000 लोग थे और 1 महीने के लिए खाना नहीं था। लोग भूख के मारे एक दूसरे को ही काट कर खाने लगे। बच्चे सबके पसंदीदा थे, आज वो टेस्टी होते थे। एक दिन एक आदमी एक बच्चे को खाने के लिए आया। बच्चे की माँ जब उसे रोकने गई तो उसने उसे मार डाला। जब वो चाकू से बच्चे को मारने ही वाला था, तब गिलियम वहाँ आकर उस चाकू को छीन लिया और उसने अपना हाथ काटकर उस आदमी को खाने के लिए दिया। इसे इंस्पायर होकर बाकी लोग भी अपना हाथ पर काटने लगे। 1 महीने के बाद उल्फर्ड के गार्ड्स प्रोटीन बार लेकर आए। कर्टिस कहता है कि जिस आदमी ने उस बच्चे को उस दिन मारने के लिए कोशिश किया था, वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, और एडगार ही वही बच्चा है। कर्टिस 18 साल से इस गिल्ट में जी रहा है। उसे उल्फर्ड से जवाब चाहिए था कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। नैम कर्टिस की सारी बातें सुनकर कहता है, असल में तुम्हें उल्फर्ड का डोर नहीं बल्कि ट्रेन का डोर खोलना चाहिए। मैं तुमसे क्रोनल इसीलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि उसे जोड़कर एक बॉम्ब बना सकूं। क्रोनल सिर्फ एक ड्रग ही नहीं है बल्कि एक हाई एक्सप्लोसिव है। मैं जेल सेक्शन से यहां तक बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करता हुआ आया हूं। बर्फ और पिघलना स्टार्ट हो चुका है। मैं हर साल येकाटेरिना ब्रिज के पास एक लोकेशन को ऑब्जर्व करते हुए आया हूं। पहले वो बिल्कुल भी नहीं दिखता था, बट इस साल वो मुझे क्लियरली दिखा है। हम बाहर अब रह सकते हैं। नाम अपने सारे क्रोनल को जोड़कर उसे ट्रेन के डोर पर रखता है और जैसे ही उस पर माचिस लगाने के लिए जाता है, तब उल्फर्ड के सेक्रेटरी क्लॉड आकर उस पर गोली चलाती है और वो कर्टिस को उल्फर्ड से मिलाने ले जाती है। उल्फर्ड कर्टिस का स्वागत करते हुए कहता है, तुम 18 साल में ऐसे पहले इंसान हो जो ट्रेन के सभी हिस्सों पर चला है। मैं ही तुम लोग के लिए खाने में मैसेज भेजता था और ये विद्रोह भी मेरा और गिलियम का बनाया हुआ प्लान ही था। ट्रेन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। ओवर पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम किसी ड्रास्टिक मेजर से मिटाना ही पड़ता है, इसलिए हर 4-5 साल में एक बार रिवोल्यूशन होना अनिवार्य है। यदि मैं तुम लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं देता तो तुम लोगों की जरूरत और भी बढ़ती। तुम लोग बच्चे पैदा करते, तुम लोग को और भी खाना चाहिए होता। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा वही हमेशा जिंदा रहता है। मेरे गिलियम के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक तुम लोगों को येकाटेरिना ब्रिज के मार काट के बाद ही रुक जाना चाहिए था, बट गिलियम ने तुम लोगों को नहीं रोका, इसीलिए दोनों पार्टीज को 19 से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उल्फर्ड अब उस एक मैन को फ़ोन लगाकर कहता है, 74% गरीब लोगों को मार दो। कर्टिस उनके चिल्लाने की आवाज़ फ़ोन में सुनता है बट कुछ नहीं कर पाता। उल्फर्ड आगे कहता है कि यहाँ ट्रेन में रिसोर्सेस कम है, लोग ज़्यादा है, इसलिए ऐसे ड्रास्टिक कदम उठाने पड़ते हैं। लोगों के बीच दुश्मनी जगाना पड़ता है, क्लास डिफरेंसेस क्रिएट करना पड़ता है। यदि सबको सब कुछ मिल जाएगा तो वो रिवोल्यूशन क्यों करेंगे। अब उल्फर्ड कर्टिस को अपनी पोस्ट ऑफर करता है क्योंकि अब उसका उम्र हो गया था। बाहर हम योना और नाम को देखते हैं जो अभी भी डोर को खोलने में लगे थे। बाकी फर्स्ट क्लास के लोग अब नैम पर हमला करने आते हैं। फ्रैंको, जिसको कर्टिस ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वो अभी भी जिंदा बच गया था। नैम और फ्रैंको फिर से फाइट करने लगते हैं। योना क्लॉड को मारकर कर्टिस के पास आकर माचिस मांगती है, जिसे नैम ने कर्टिस को सिगरेट के साथ दिया था। तभी योना को वहाँ एक ओपनिंग दिखता है जिसके अंदर इंजन में टिमी और एंडी काम कर रहे थे। उस सेक्शन का पार्ट हाल ही में ही खराब हुआ था, जिसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उल्फर्ड बच्चों से ये काम करवा रहा था। इसे देखकर कर्टिस को यकीन होता है कि उल्फर्ड भी एक क्लासिएस्ट इंसान है जो सिर्फ गरीबों को स्पेयर पार्ट्स की तरह देखता है। अमीरों के भी बच्चे थे बट काम करने के लिए उसने सिर्फ गरीबों के ही बच्चे को चुना। कर्टिस उल्फर्ड के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और योना को माचिस देता है। वो नीचे हाथ डालकर टिमी को बाहर निकालने लगता है। योना क्रोनल को आग लगाती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
ट्रेन डीजल होकर सभी डिब्बे बर्फ में गिर जाते हैं। ट्रेन के अंदर रह रहे सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ योना और टीमी ही बचते हैं। बाद में ये दोनों पहली बार बाहर आते हैं, जहां इन्हें दूर एक भालू दिखता है। इसका मतलब यह है कि अर्थ अब फिर से जीने लायक हो गया था, और दोस्तों मूवी इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो बात करें फिल्म की फिलोसॉफी के बारे में, तो ये ट्रेन बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी को दर्शाता है। हमारे सोसाइटी में भी लोग क्लास के हिसाब से बांटे हुए हैं, जिनका शोषण अमीर और पावरफुल लोग करते हैं। फिल्म में लोग पिछले सेक्शन से फ्रंट सेक्शन की ओर बेहतर जीवन की उम्मीद में लड़ते हुए आते हैं, बट 50 लोग में सिर्फ एक ही इंसान ही एंड तक आ पाता है। मीनिंग की सिस्टम रिजिड है, यहाँ सबका सक्सेसफुल होना ना के बराबर है। स्कूल में टीचर बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी, जिसे बच्चे सही समझ रहे थे। मीनिंग की सोसाइटी हर दिन डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, अपने हिडन एजेंडा को चलाने की कोशिश करता है, जिसे लोग बच्चों की तरह सही मानते हैं। यह फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1/10, जो कि काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।